पेड़ लैम करना है इंस्पिरेशन सर क्या कहना चाहूँगा मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा राजेंद्र जी का हमेशा जब भी कोई आर्ट फेस्टिवल होता है या आर्ट शोइंग होता है तो ये मुझे आने के लिए आमंत्रित करते हैं और लोगों को लगता है कि ये मतलब मेरे लिए बर्डन है लेकिन है नहीं क्योंकि जहाँ एक जगह में इतने सारे अच्छे आर्टिस्ट और इतना सारा अच्छा आर्ट लगा हुआ हो तो ना एन एक्टर और एनी अदर आर्टिस्ट कैन ओनली बी इंस्पायर्ड तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ आया हूँ और नेक्स्ट टाइम आई थिंक दिल्ली में है आपका शो तो वहाँ भी आएंगे ज़रूर आएंगे सर थैंक यू पेंटिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन सी लगी और किस पर क्या करेंगे
ये कहना थोड़ा सा अनफेयर होगा क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं और मुझे सभी का काम अच्छा लगा है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कैमरे पे हूँ, ये जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो आज शो कर रहे हैं उनकी अलग अलग, सबकी कला अलग है, सबके पैटर्न्स अलग हैं, सबके एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। मुझे ख़ास अगर एक कोई पेंटिंग उठानी हो तो वो चारकोल जो देखी हमने, चारकोल गौतम पटोले, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। चारकोल मास्टर बुद्धा की एक पेंटिंग है बैठे हुए, बड़ा काम सा है, बट आई थिंक ऑल द वर्क दैट आई हैव सीन इज वेरी लाइक आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन वाज फैंटास्टिक, थैंक यू आसिफ फॉर दोस टेंपल रिवर लैंडस्केप्स, लवली वन्स। एंड देन स्वराज दास यू लाइक दैट बंगाली आर्ट, द बंगाली आर्ट। सर हम लोग आर्ट की बात करते हैं क्योंकि आप लोगों को मेरी राय ये है कि मैं यहाँ पे आर्ट फंक्शन के लिए आया हूँ और मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। मेरी राय सुनेंगे आप? जब जहाँ हो उसके बारे में बात करना चाहिए। मैं आया हूँ यहाँ पे राजेंद्र जी के लिए और बहुत ज़रूरी है। सो यू नो आई अंडरस्टैंड दैट, यू नो आई ऑलवेज हैड वन आइडियोलॉजी, वेन एवर यू आर इन सर्टन प्लेस यू शुड टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज अदरवाइज इज एन इंसल्ट टू हिम। सो आई डोंट वॉन्ट टू इंसल्ट माई होस्ट and if you want me to give you a quote, it makes a difference to you. I think that whatever we're doing here in this campaign is should be for the betterment of the country and the workplace. I don't think that Indians as a rule are very rigid. They will, it'll work and it'll happen and it'll work for the betterment. And I can talk about this film industry, I cannot talk about politics and about journalism jo aap logo ke sath bhi ho raha hai. We've always believed in a very, very nice, happy and safe workspace. And I think we should keep working towards that. That's it. Ho gaya? Khush hai? Chalo. Thank you. पीछे संभालना सब। हाँ सीधा करिए ना। सर आप जाइए, आप जाइए।
अरे पंडित आर्टिस्ट का क्या ना, तुम लोग भी मेरा ऐसे कि मैं बनाया नीचे से सब वही करते रहेंगे जिंदगी भर। हे मास्टर ये सॉलिड दगड़ है ना, अरे बाबा दादा ले वजन है बॉडी बने छान चला आता गौतम पुढे गौतम स्टॉल वर जाऊ ना तो बाबा ले लीजिए आप कौन करते कौन निकल रहे मोबाइल ले करते अरे इकडे 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 समोर उभे राहा उभे राहा हां इकडे दादा प्लास्टिक किसने दिया हाथ में हम लोग कुछ बोलता है तो तुम लोग जिसके लिए आया तो आप नहीं तो आपको तो शाम हो जाएगा सर घंटा प्लीज आप भी नहीं तो होगा थैंक यू डियर मैं भी करता हूँ एक पेंटिंग नहीं करूँगा करना पड़ेगा अभी अभी है मैं निकाल जाऊँगा इधर ना प्रवेश करते हैं बच्चे गौतम ने बोला तो आ गया कोई तो बोल रहा हूँ प्रकाश बच्चे लोग मिले अभी दादा उधर एक फोटो करते क्या शंभू ये नहीं इकड़े इकड़े गौतम पेंटिंग जाएगा ना
भाई अभी साइड में हट जाओ, अभी हो गया ना। साइड फोटोग्राफर, प्लीज साइड, प्लीज साइड फोटोग्राफर, साइड स्टिल साइड प्लीज, हां स्टिल साइड। पहले तो ये कहूंगा कि राजेंद्र भाई ने जो काम किया है हर साल करते हैं, गौतम राजेंद्र भाई और भरत भाई और इनकी धर्मपत्नी रूपाली जी, पाँच पाँच साल का वेट होता है, बोलते कितना, पाँच साल तो वेट होता है, पाँच साल, 80,000 अपने आर्टिस्ट है, 80,000 आर्टिस्ट हमारे हैं, मगर उनको एग्जीबिशन के लिए हॉल नहीं मिलते। तो भाई इन लोग जो है, राजेंद्र यू कैन एक्सप्लेन, 80,000 एक आज मैं एप्लीकेशन डालूँ तो पाँच साल के बाद में शायद मेरा लाइन आएगा। तो मुझे लगता है कि आर्ट गैलरीज हर कोने में खुलना चाहिए, स्ट्रीट्स पे आप लोग जो देते हैं अच्छा है, फ्लावर फाउंटेन, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑलवेज डू इट, मुंबई फेस्टिवल, देयर आर स्पेस बट आई थिंक यू नीड मोर स्पेस। आर्टिस्ट लोग बहुत है दादा, थोड़ा सा ओपनिंग कम है, जगहें कम है दिखने के लिए, सॉलिड आर्टिस्ट है हिंदुस्तान में। अंदर आप पेंटिंग्स देखे ज़्यादा किस तरह का लगा? बहुत खूबसूरत, इन्होंने जो नसीर भाई का पेंटिंग बनाया इतना अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा, ये मेरे हाथ में अभी भी है, ये वेनिला का सुरेश नायर करके बाबा है जो ब्लाइंड जिनको दिखता नहीं है भाई, उनके लिए पेंटिंग, वनीला हो गया तो वाइट, लेमन हो गया तो येलो, खुशबू से पता चलता है कलर पेंट का, अच्छा अच्छा थॉट, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को आके, मैं पेंटर इतना नहीं, मैं आर्टिस्ट नहीं है, मैं ताज बनाने को नहीं आता है, ताज अप्रिशिएट करने को आता है, क्या ताज क्या बनाया, तो अप्रिशिएशन रखने का अपने दिल में, सब चीज़ को दिल से चाहने का, बना नहीं सका उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग में कुछ कला नहीं है, मगर हमारे हिंदुस्तान में कलाकार बहुत हैं। फिलहाल जैसे बात ही हुई राजेंद्र से, क्या बनते हैं 80,000 आर्टिस्ट, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, आई होप मेनी मोर पीपल कम एंड सी इट, 250 इतर शायद डिफरेंट आर्टिस्ट, चल गुड लक। आपको क्या लेके जाएंगे? देखो मैंने हर चीज़ देखा, मैं दो तीन चीज़ें देखी, एक तो बहुत प्यारा इन्होंने नसीर भाई का फोटो बनाया, वो मैं ले जाऊंगा भाई को देने, ये पेंटिंग वाला जो जो भी बनाते हैं वो ले जाऊंगा, और एक गौ का एक बहुत अच्छा, एक बच्चा दो गाय को ऐसा लीड कर रहा है, दोन गाया है आणि एक लहान मुलं, वो बच्चे को अपना ऐसा वो खींच के, वो अच्छा लगा, तो शायद ये सब मेरे को अच्छा लगा। दादा ऐसे तो बहुत है, पर एक आदमी कितना तारीफ कितना देखेगा। जी जी काफी ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे छोटे, लेकिन नहीं नहीं आप अपना काम कर, चल जो काम पे ध्यान देना छोटे, चल अच्छी चीज़ों के अंदर अच्छी बात, जो यहाँ है वहाँ के बाद वहाँ करेंगे। मैं अभी दो मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा, बाहर मिला तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, पेंटिंग की बात कर अच्छी बात कर बेटा, वो जो होता होता है अभी कर रहे हैं, जो निकले वो निकलने दो, मगर इनकी बात कर ये ब्लाइंड लोगों के लिए पेंटिंग बन रही है, इसकी बात कर, तुम्हारे दिलों में तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है ऐसा चीज़ें, मैं क्या करूँ छोटे, इसकी तो बात नहीं करेंगे, ये तेरे को मालूम ही नहीं किया है, ये क्या बोला मैंने, अरे पेंट है, खुशबू से पता चलता है जिनको दिखता नहीं है, वनीला का वाइट, पीला लेमन का, ऐसे उन्होंने हर कलर किया हुआ है, तो खुशबू से वो पेंटिंग करते, ऐसी बातें अच्छी कर भाई दादा जी। मेरे को सब अच्छा लगता है दादा, मेरा दिल मेरे माने बोला कि सब चीज़ को अच्छा देखो, अच्छी तरह से देखो। जय जय महाराष्ट्र, चल बैठो, ऑल द बेस्ट, आता कहाँ है, चल रहा है, चल जाना।